आपको बता दें कि मेवात जिले के नीमखेड़ा, गोकलपुर, मड़ियाकी, बुवहलेड़ी, चांदड़ा का, बीसरू, घासड़ा, मरोड़ा इत्यादि गांवों में गोलियां चलने व पथराव होने की खबर सामने आई थी। दोनों ही गुटों के तकरीबन 6 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। जब इस बारे में पुलिस विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास ना तो मरने वालों का कोई आंकड़ा है और ना ही घायलों की कोई सूची है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि कई जगह झगड़े हुए थे जिनमें लोग घायल हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के पास लिखित शिकायत नहीं आई है, जिसकी वजह से मृतकों व घायलों के बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। जैसे ही उनके पास शिकायतें आएंगी, न केवल मुकदमे दर्ज किए जाएंगे बल्कि मरने वाले तथा घायलों का पूरी तरह से आकलन हो सकेगा। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद जमकर नियमों की अनदेखी हो रही है। आपको बता दें कि मेवात में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद जीतने वाले उम्मीदवार बड़ी संख्या में वाहनों का काफिला निकालकर आतिशबाजी कर नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ठीक इसी तरह की तस्वीरें पंचायत चुनाव के प्रचार के समय भी सामने आई थी। ना तो डीजे इत्यादि के लिए कोई अनुमति उम्मीदवारों की तरफ से ली जाती थी और ना ही ग्रीन पटाखों की जगह सभी प्रकार के पटाखे जमकर चलाए गए। इसे वातावरण में भी कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है। उम्मीदवारों ने रही सही कसर चुनावी नतीजे आने के बाद पूरी कर दी, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी इस मामले को लेकर कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। आप देख रहे हैं नूमेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना। रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबरें रोजाना देखना ना भूलें, सिर्फ मेवात सिटी न्यूज पर। लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।